ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, वैसे यूज कर लो, बट लास्ट में रिजल्ट जीरो। क्या राइस वाटर भी एक मार्केटिंग स्टंट है या फिर ये सच में हेल्पफुल है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए? आज जानेंगे साइंस की हेल्प से। वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग योगा बाय सैमी। 2010 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में पब्लिश्ड एक रिसर्च में पाया गया था कि राइस वाटर हमारे हेयर की इलास्टिसिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इन बेनिफिट्स के पीछे का रीज़न है राइस वाटर में पाए जाने वाला इनोसिटॉल। इनोसिटॉल जिसको हम विटामिन B8 भी बोलते हैं। पर हम राइस वाटर यूज़ कैसे करें? आज मैं आपको बताऊंगी राइस वाटर यूज़ करने का बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप हाफ कप कोई सा भी चावल ले लें और उसे 3 कप वाटर में सोक कर दें। इसको रात में भीगे रहने दें जिससे ये फर्मेंट हो जाएगा। सुबह पानी को एक स्प्रे बॉटल में या कप में निकाल लें। अगर आपके पास टाइम है तो स्प्रे बॉटल से या कॉटन से पानी को आराम से अपने बालों में लगाएं। नहीं तो आप नहाते समय इस पानी को बालों में डाल के 10 से 15 मिनट्स छोड़ दें, फिर रिंस कर दें। आपको इंस्टेंट राइस वाटर चाहिए तो आप कुक्ड राइस का वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर ओवरनाइट भिगाने से वो न्यूट्रिएंट्स में एक्सट्रीमली रिच हो जाता है। प्रोटीन्स मेक 16% ऑफ राइस वाटर। स्टार्च एक एक्सट्रैक्ट जो जापनीज कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, वो भी राइस वाटर में होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन B, D, E भी होते हैं। राइस वाटर हेयर के नेचुरल ऑयल को इंटैक्ट रखता है और पीएच लेवल को स्कैल्प के इक्विवेलेंट बनाता है। लास्टली ये स्किन के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। इसमें नरिशिंग एंटीऑक्सीडेंट्स फेरुलिक एसिड, जिसको एलेंटोइन भी बोलते हैं, होता है। राइस वाटर में मौजूद प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं जिससे सेल हेल्थ बूस्ट होती है। कॉटन को राइस वाटर में डिप करके बस अपने फेस पर हल्के हाथ से रब कर लें। आप राइस वाटर को 1 वीक तक रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपने देखा कि राइस वाटर बनाना और यूज करना कितना इजी है, एंड इट्स गुड फॉर आवर हेयर एंड स्किन आल्सो। प्लीज ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।